लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन बुधवार से शुरू होंगे और अभी तक सपा ने रामपुर, मुरादाबाद और पीलीभीत के टिकट फाइनल नहीं किए। इस बीच खबर यह भी है कि समाजवादी पार्टी अपने घोषित दो उम्मीदवार बदल भी सकती है। बताया यह भी गया कि रामपुर और मुरादाबाद का टिकट जेल में बंद पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की सहमति के बाद ही घोषित होंगे। सपा का पीलीभीत का भी प्रत्याशी अब तक फाइनल नहीं हुआ। आइए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सपा ने पीलीभीत से उम्मीदवारों का ऐलान अब तक क्यों नहीं किया। इसके साथ ही ये भी बताते हैं कि अपने कौन से वो दो सीटें हैं जिसके प्रत्याशी सपा बदल सकती है, समाजवादी पार्टी उन्हें हटा सकती है। 2019 में मुरादाबाद सीट से एसटी हसन और रामपुर से आजम खान जीते थे, पर कुछ समय बाद आजम खान एक मामले में कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुना दी। इससे आजम खान की सदस्यता चली गई। साल 2022 में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने यह सीट सपा से छीन ली। इस समय रामपुर से बीजेपी के घनश्याम लोधी सांसद हैं। पहले चरण के चुनाव में 8 सीटें जिसमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत शामिल है। इनमें से एकमात्र सहारनपुर सीट INDIA गठबंधन के तहत कांग्रेस के खाते में आई है। बाकी सभी सीटें यानी कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना सभी जगह अपने प्रत्याशी सपा ने घोषित कर दिए हैं। मुरादाबाद से एसटी हसन के अलावा 2-3 विधायक भी टिकट मांग रहे हैं। पिछली बार भी एसटी हसन को टिकट आजम खान के कहने पर मिला था। सपा के सूत्र ये कह रहे हैं कि रामपुर और मुरादाबाद में हमेशा की तरह इस बार भी आजम खान की ही चलेगी और उन्हीं की राय अहमियत में ली जाएगी। शीर्ष नेतृत्व उनसे संपर्क करने के बाद ही इन सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित करेगा, ऐसी चर्चा है सपा सूत्रों से बात करने के बाद। इस बीच खबर यह भी है कि सपा मेरठ में अपना प्रत्याशी बदल सकती है। यहां भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया गया। सपा सूत्रों के मुताबिक मेरठ से भानु प्रताप के स्थान पर किसी स्थानीय दलित को टिकट दिया जा सकता है। कयास बिजनौर का टिकट बदलने के भी हैं, लेकिन बिजनौर के सपा प्रत्याशी यशवीर सिंह ने इसे अपने विरोधियों की साजिश बताया। उनका कहना है कि वो पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ने वाले हैं। अब जरा आपको बताते हैं कि पीलीभीत पर समाजवादी पार्टी ने अब तक अपने उम्मीदवार क्यों नहीं उतारे। माना यह जा रहा है कि इस बार बीजेपी पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी या सुल्तानपुर से सांसद उनकी मां मेनका गांधी में से किसी एक को टिकट दे सकती है। इन्हीं समीकरणों को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी ने अब तक पीलीभीत से किसी को टिकट नहीं दिया है। गांधी परिवार और सपा नेतृत्व के बीच रिश्ते अच्छे बताए जा रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि पीलीभीत सीट पर बीजेपी ने सांसद वरुण गांधी का टिकट होल्ड करके ऐसा दाव चला है कि सपा और बसपा भी उलझ सी गई है। बीजेपी ने अभी तक वरुण गांधी को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले। बीजेपी की रणनीति पर विरोधी दलों की नजर है। सपा और बीएसपी ने पीलीभीत सीट पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान अब तक नहीं किया है और सूत्र ये कह रहे हैं कि बीजेपी के उम्मीदवार का ऐलान होने के बाद सपा और बसपा अपने खिलाड़ियों को दंगल में उतारेगी। पीलीभीत की सीट पर करीब 3 दशक से मेनका गांधी और वरुण गांधी का कब्जा है, एक तरीके से कह लीजिए, क्योंकि सिर्फ 1991 में मेनका गांधी को इस सीट पर बीजेपी के परशुराम गंगवार ने शिकस्त दी थी। उससे पहले 1989 और फिर 1996 के बाद से क्या कांग्रेस, क्या सपा और क्या बसपा, किसी भी दल के नेता ने मेनका और वरुण को नहीं हराया, उनके आगे चली नहीं। आपको बता दें ये पहला मौका है जब पीलीभीत में वरुण मेनका चुनावी दाव को लेकर संशय में दिखाई पड़ रहे हैं या उनको लेकर संशय की स्थिति। पहली सूची में मेनका गांधी और वरुण गांधी का नाम शामिल न होने से सियासी गलियारों में कयासबाजी बढ़ी। पीलीभीत के दंगल में बीजेपी के टिकट को लेकर कई और दावेदार भी ताकत लगा रहे थे। हालांकि बीजेपी के रणनीतिकार हालात की मॉनिटरिंग करा रहे हैं। पर्यवेक्षक चुपचाप तरीके से या यूं कहें कि शांति से अपना काम करके दिल्ली लौट चुके। अभी कुछ और समय पीलीभीत के टिकट के ऐलान में लग सकता है। सपा कांग्रेस गठबंधन में सपा का उम्मीदवार पीलीभीत से चुनाव लड़ेगा। सपा हाईकमान बीजेपी के दाव पर नजरें टिकाए हुए हैं। ऐसी ही कुछ कहानी दिखाई पड़ती है बसपा की। बीजेपी वरुण गांधी को उम्मीदवार बनाएगी या किसी दूसरे पर दाव लगाएगी, इसको लेकर हर तरफ चर्चा है। बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि 1-2 दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी जब लिस्ट आ जाएगी, लेकिन सपा को लेकर अभी भी सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि पीलीभीत को लेकर उनका ऐलान न करना बड़ी रणनीति, बड़ी स्ट्रैटेजी को दिखाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।